गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग एब्रेसिव के बारे में पढ़े थे, आर्टिफिशियल एब्रेसिव के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है बॉन्ड। क्या है बॉन्ड? आज की क्लास का टॉपिक हमारा क्या है? बॉन्ड। बॉन्ड हम लोग जनरली बोलते किसको है? बॉन्ड हम लोग उसको बोलते हैं, बॉन्ड हमारा एक ऐसा प्रकार का मटेरियल है जो क्या करता है, एब्रेसिव को, एक एब्रेसिव को दूसरे एब्रेसिव के साथ जोड़ के एक स्ट्रक्चर तैयार करते हुए क्या करता है, एक व्हील का निर्माण करता है। क्या होता है, जैसे ये हमारे छोटे छोटे एब्रेसिव के कण है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, जनरली डायरेक्ट व्हील हमारा ये नहीं बनेगा क्योंकि ये दाने के रूप में होता है, बहुत ही महीन कण में होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या होता है, हमारा बुरादे के रूप में होता है, तो वो बुरादे के रूप में होता है, तो उससे हम लोग जनरली कभी भी कटिंग में प्रयोग उसका नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बुरादे के रूप में है, जिसके कारण क्या होगा, हमारा वो तेज हवा भी पड़ने पे वो क्या होगा, हमारा उड़ जाएगा, तो मटेरियल को हमारा क्या कटिंग करेगा, उसी को क्या करते हैं, जब हम लोग एक बंधन में बांध देते हैं सारे एब्रेसिव पार्टिकल्स कण को, क्या करते हैं, एक अच्छी प्रकार के मिट्टी के द्वारा, एक बॉन्ड के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बांधने का काम करते हैं। जैसे कोई भी दो छोटे छोटे चीज को, जैसे आटा है, आटा को हम लोग क्या करते हैं, पानी मिला देते हैं, पानी मिलाने के पहले आटा को फैन का हवा भी देते हैं तो आटा हमारा क्या होता है, उड़ जाता है, लेकिन पानी देने के कारण एक आटा से दूसरे आटा के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है और क्या करता है, आपस में चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, एक आटा से दूसरे आटा के बीच में थोड़ा सा टाइटनेस आ जाता है और वो आसानी से हमारा उड़ता नहीं है, टूटता नहीं है। सेम उसी प्रकार से हमारा बॉन्ड का भी काम है। बॉन्ड हमारा क्या होता है, एब्रेसिव के पार्टिकल को, छोटे छोटे एब्रेसिव के पार्टिकल को जोड़ के एक हमारा क्या करता है, व्हील का निर्माण कर देता है। क्या करता है, हमारा छोटे छोटे पार्टिकल को जोड़ते हुए हमारा क्या करता है, एक पूरा व्हील का निर्माण कर देता है और जिस व्हील के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फिर कटिंग ऑपरेशन करते हैं। क्या करते हैं, उसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कटिंग ऑपरेशन करते हैं। यहां से हम लोग को क्या समझ में आया, जो बॉन्ड किसको बोलते हैं, बॉन्ड हमारा एक युक्ति साधक है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एब्रेसिव के पार्टिकल को आपस में जोड़ते हैं, एब्रेसिव के पार्टिकल को आपस में जिसके द्वारा हम लोग जोड़ के रखते हैं व्हील में, उसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड समझिए, तो ये बॉन्ड भी हमारे विभिन्न प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुछ टाइप्स के बॉन्ड को देखते हैं, आज की क्लास में कितने टाइप्स के बॉन्ड को हम कवर कर पाते हैं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड क्या है हमारा, ये विट्रीफाइड बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड हमारा क्या है, विट्रीफाइड बॉन्ड हमारा एक ऐसा युक्ति, ऐसा बंधन है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एब्रेसिव के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, एब्रेसिव के पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखने का काम करते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या होता है, एब्रेसिव के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ते हैं और आसानी से हम लोग क्या करते हैं, उस पार्टिकल्स को जोड़ते हुए आसानी से जो भी काम करना होता है उसको हम लोग आपस में कर लेते हैं। इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करता है, कोई भी बंधन हम लोग इससे के द्वारा आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स हमारा क्या हो जाता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है। जो विट्रीफाइड बॉन्ड हमारा होता है, इसमें क्या होता है, हमारा एक विशेष प्रकार का मिट्टी होता है जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एब्रेसिव के पार्टिकल्स को आपस में जोड़ते हैं और आपस में जोड़ने के बाद हम लोग इस बॉन्ड को क्या करते हैं, हम लोग तैयार करते हैं। तो विट्रीफाइड बॉन्ड क्या है हमारा, विट्रीफाइड बॉन्ड हमारा एक विशेष प्रकार की मिट्टी के द्वारा तैयार किया जाता है। क्या होता है, एक विशेष प्रकार की मिट्टी में हम लोग क्या करते हैं, एब्रेसिव को मिलाते हैं और उसके द्वारा जो बंधक हमारा तैयार होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विट्रीफाइड बॉन्ड। इसमें क्या होता है, लगभग 75% जो ग्राइंडर हमारा होता है किस चीज का बना होता है, विट्रीफाइड बॉन्ड का ही हमारा बना होता है। इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसी के द्वारा हम लोग ज्यादातर हमारा जो मार्केट में आज के टाइम में डिमांड है, हमारा किस चीज का डिमांड है, विट्रीफाइड बॉन्ड का ही हमारा डिमांड है। किस चीज का ज्यादातर डिमांड है हमारा, विट्रीफाइड बॉन्ड का ही हमारा डिमांड है। ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है,
ये हमारा अधिकांश जहां भी जो भी वर्क होता है सारे वर्क में हमारा क्या होता है विट्रीफाइड बॉन्ड का ही हमारा क्या होता है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका हम क्या बात किए, ये ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या होता है 75% मार्केट में इसी ग्राइंडिंग व्हील का हमारा क्या होता है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या होता है ये बॉन्ड क्या है, बॉन्ड वाले जो प्रयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि साधारण कार्य के लिए जो ग्राइंडिंग व्हील है, साधारण कार्य के लिए जितना भी प्रकार का ग्राइंडिंग व्हील होता है, सारे साधारण प्रकार के कार्य में जो ग्राइंडिंग व्हील हमारा होता है वो हमारा क्या होता है इसी विट्रीफाइड बॉन्ड का ही बना होता है। किस चीज का बना होता है, विट्रीफाइड बॉन्ड का ही हमारा क्या होता है बना होता है। ये बॉन्ड वाला क्या होता है अच्छी शक्ति मिलता है, इसमें पकड़ जो होता है एक एब्रेसिव से दूसरे एब्रेसिव के बीच में जो पकड़ होता है, जो एब्रेसिव के पार्टिकल्स को क्या करता है आपस में पकड़ के रखता है, तो इसमें काफी ज्यादा होता है। इस विट्रीफाइड बॉन्ड में पकड़ का जो हमारा शक्ति होता है वो हमारा क्या होता है थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। क्या होता है, पकड़ इसमें ज्यादा हमारा अच्छा होता है। ठीक है, इसीलिए इसका ज्यादातर क्या होता है उपयोग किया जाता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि ये हमारा कितने स्पीड तक के सरफेस में हमारा कटिंग कर सकता है। तो विट्रीफाइड बॉन्ड का हम लोग प्रयोग करते हुए क्या करेंगे, हम लोग इससे 2000 मीटर तक की दूरी को, जैसे हम लोग मीटर की दूरी हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हमारा ये बॉन्ड हमारा जो है विट्रीफाइड बॉन्ड है इसे तैयार किया हुआ व्हील हमारा क्या होता है राउंड शेप में होता है। ये राउंड शेप में जो हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड होता है इससे हम लोग क्या बात किए 2000 मीटर, तो इसका जो व्हील का परिधि होता है इसको जब हम लोग चलाएंगे एक रेखा में चलाएंगे तो एक मिनट में ये 2000 मीटर की दूरी हमारा क्या होता है तय कर सकता है। उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करके इसको सेट किया जाता है। हम लोग इसको अधिक से अधिक 2000 मीटर तक की दूरी तय करने के लिए एक मिनट में हम लोग स्पीड इसको दे सकते हैं। इससे ज्यादा स्पीड देंगे तो ये हमारा क्या करेगा ग्राइंडिंग व्हील सही से काम नहीं कर पाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस हमारा क्या होगा बन जाएगा। ठीक है, तो विट्रीफाइड बॉन्ड का क्या होता है ज्यादातर प्रयोग किया जाता है क्योंकि एक विशेष प्रकार का मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है। मार्केट में भी जो उपयोग हमारा होता है इंडस्ट्री वगैरह में जो होता है आईटीआई में भी जो बताया जाता है जनरली ग्राइंडर जो हमारा मटेरियल को कटिंग करने के लिए लगा होता है वो सब हमारा किस चीज का बना होता है विट्रीफाइड बॉन्ड का ही हमारा बना होता है। इसका सरफेस स्पीड हमारा कितना हो जाता है 2000 मीटर हमारा इसका हो जाता है। अब इस बॉन्ड को ये क्या करता है इससे हम लोग अधिक धातु को काट सकते हैं। ये 2000 मीटर की दूरी हमारा तय कर रहा है तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा ये इसका स्पीड होगा, स्पीड के हिसाब से ये मटेरियल हमारा क्या करेगा अधिक मटेरियल को कट करेगा। कितना मटेरियल को कट करेगा हमारा इससे विट्रीफाइड बॉन्ड से हम लोग अधिक मटेरियल को आपस में आसानी से हार्ड जॉब पे भी हम लोग इससे वर्क कर सकते हैं, हमारा क्या करेगा मटेरियल को आसानी से काट सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग इंडिकेट किसके द्वारा करते हैं, ये विट्रीफाइड बॉन्ड जो हमारा हो गया इंगित हम किसके द्वारा करते हैं, विट्रीफाइड बॉन्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो विट्रीफाइड बॉन्ड को अंग्रेजी के बी अक्षर के द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं। क्या करते हैं बी अक्षर के द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं। मार्केट में जाके हम बस इतना बोलेंगे कि जैसे आपको ग्राइंडिंग व्हील चाहिए तो वो मार्केट में समझ नहीं पाएगा किस प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील इसको चाहिए, तो वो समझने में उसको दिक्कत होगा, तो वहां पे उसको हम जाके बोलेंगे कि हमको विट्रीफाइड बॉन्ड से बना ग्राइंडिंग व्हील जो है उसको दे दीजिए, तो वो क्या करेगा विट्रीफाइड बॉन्ड का हमको दे देगा। तो उससे हम लोग विभिन्न प्रकार के जो भी मटेरियल है अधिक मटेरियल हटाना हो तो वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करते हुए अपना ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या था विट्रीफाइड बॉन्ड। अब उसके बाद हम लोग दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या होता है सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सिलिकेट बॉन्ड। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड हमारा क्या है, सिलिकेट बॉन्ड क्या होता है विट्रीफाइड बॉन्ड की तुलना में इसका कम प्रयोग किया जाता है। क्या होता है विट्रीफाइड बॉन्ड की तुलना में इसका प्रयोग हमारा क्या होता है कम किया जाता है। ये बॉन्ड हमारा क्या होता है सिलिकेट ऑफ सोडा, क्या सिलिकेट ऑफ सोडा, सिलिकेट ऑफ सोडा प्लस एब्रेसिव, सिलिकेट ऑफ सोडा प्लस एब्रेसिव को हम लोग क्या करते हैं आपस में मिला के जो बंधन तैयार होता है उसके बाद उस बंधन के द्वारा हमारा जो बॉन्ड तैयार होता है उस बॉन्ड के द्वारा जो हम लोग व्हील तैयार करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिलिकेट बॉन्ड,
से तैयार किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिकेट बॉन्ड से तैयार किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील। इसका प्रयोग कहां पे होता है? सॉफ्ट मटेरियल पे होता है या फिर कटिंग टूल्स वगैरह जितने भी हमारे हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके पॉइंट को बनाने के लिए, टूल के पॉइंट को ग्राइंड करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो सिलिकेट बॉन्ड को हम लोग किसके द्वारा डिनोट करते हैं? तो सिलिकेट बॉन्ड को हम लोग अंग्रेजी के एक्स अक्षर द्वारा हम लोग सिलिकेट बॉन्ड को डिनोट करते हैं। जब हमको सिलिकेट बॉन्ड का ग्राइंडिंग व्हील चाहिए होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट में जाके एस बॉन्ड का ग्राइंडिंग व्हील मांगेंगे तो हमको सिलिकेट बॉन्ड का दे देगा, या फिर सिलिकेट बॉन्ड का चाहिए तो हम लोग सिलिकेट बॉन्ड बोलेंगे तो वो हमारा सिलिकेट बॉन्ड का ग्राइंडिंग व्हील दे देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तीसरा सेल्यक बॉन्ड। तीसरा हमारा क्या है? सेल्यक बॉन्ड। तीसरा हमारा होता है सेल्यक बॉन्ड। सेल्यक बॉन्ड हमारा क्या है? सेल्यक बॉन्ड का हम लोग कहां पे उपयोग करते हैं इसके बारे में हम लोग अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो सेल्यक बॉन्ड हमारा क्या है? ये बॉन्ड हमारा क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील को क्या करता है, शुद्ध सेल्यक। ये जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील बना होता है शुद्ध सेल्यक और एब्रेसिव से मिलकर बना होता है। शुद्ध मतलब क्या हो गया, एक्यूरेसी। सेल्यक या फिर प्योर सेल्यक भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, प्योर। प्योर सेल्यक प्लस एब्रेसिव, प्योर सेल्यक प्लस एब्रेसिव से मिलके तैयार किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्यक बॉन्ड से तैयार किया हुआ ग्राइंडिंग। तो इसका प्रयोग कहां होता है, इस एब्रेसिव से क्या होता है, तैयार किया हुआ बॉन्ड वाला अधिकतर प्रयोग क्या होता है, इसका भी प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, किसी भी सरफेस पे फिनिशिंग लाना होता है जहां पे हम लोग कटिंग करके सारा ऑपरेशन कर चुके हैं। ऑपरेशन करने के बाद उस वर्कपीस में, जॉब में जब हमको फिनिशिंग लाने की जरूरत होती है तब हम लोग क्या करते हैं, सेल्यक बॉन्ड से तैयार किए हुए ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सेल्यक बॉन्ड से तैयार किए हुए ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हुए हम लोग इसका काम करते हैं। ठीक है, और इसका प्रयोग क्या होता है, फिनिशिंग के साथ साथ हल्के कार्यों के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। क्या होता है, फिनिशिंग के साथ साथ हल्के कार्य में भी इसका हमारा क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। कहां पे, हल्के कार्य के लिए भी हमारा इसका प्रयोग किया जाता है, भारी कार्य के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। फिनिशिंग और हल्के कार्य जो होता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्यक बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, जैसे सेल्यक बॉन्ड हो गया तो जनरली हम लोग को सेल्यक से एस दिख रहा है, हम लोग उसके अल्फाबेट से हम लोग नहीं इसको डिनोट करेंगे। कुछ कुछ इसमें जो बॉन्ड है उसको अल्फाबेट से नहीं, स्टार्ट के अल्फाबेट से कुछ को डिनोट किया गया, कुछ दो हमारे इसमें जो बताएंगे इसमें उस दो को हमारा क्या किया गया, स्टार्ट के अल्फाबेट से नहीं डिनोट किया गया। जैसे सेल्यक बॉन्ड जनरली पूछ देगा सेल्यक बॉन्ड को हम लोग किसके द्वारा इंगित करते हैं, तो हम लोग क्या मार के आ जाते हैं, एस देखते हैं तो एस को हम लोग मार देते हैं, पर वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, वो रॉन्ग हो जाएगा। सेल्यक बॉन्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो सेल्यक बॉन्ड को अंग्रेजी के ई अक्षर के द्वारा हम लोग उसको डिनोट करते हैं। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, अंग्रेजी के ई अक्षर के द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं। किसके द्वारा, अंग्रेजी के ई अक्षर के द्वारा डिनोट करते हैं। ठीक है, यहां तक सेल्यक बॉन्ड हमारा क्लियर हो गया। आपको चलते हैं रेजिनाइट बॉन्ड, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। रेजिनाइट बॉन्ड हमारा क्या हो गया, तो रेजिनाइट बॉन्ड हमारा हो गया चौथा, क्या हो गया, रेजिनाइट बॉन्ड। क्या हो गया चौथा हमारा, रेजिनाइट बॉन्ड। रेजिनाइट ये हमारा क्या है, रेजिनाइट बॉन्ड हमारा क्या है उसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। रेजिनाइट बॉन्ड हमारा क्या है, तो रेजिनाइट बॉन्ड ऐसे ग्राइंडिंग व्हील से क्या होता है, जिसमें ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या होता है, रेजिन के पाउडर से तैयार किया हुआ था। क्या होता है, रेजिन के पाउडर से हमारा तैयार किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील होता है। ठीक है, रेजिन के पाउडर से तैयार किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या होता है, रेजिनाइट बॉन्ड्स का बना होता है। इसमें हम लोग रेजिन का पाउडर का प्रयोग करते हुए प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखो जैसे इस बॉन्ड में हम लोग रेजिन और पाउडर को क्या करते हैं, एब्रेसिव को आपस में हम लोग मिला देते हैं। आपस में हम लोग क्या करते हैं, उसको
मिला देते हैं, आपस में मिलाने के बाद क्या करता है ग्राइंडिंग व्हील को दूसरे बॉन्ड वाले व्हील की अपेक्षा क्या होता है अधिक स्पीड में हम लोग इसको चला सकते हैं। रेजेनाइट बॉन्ड से तैयार किया हुआ जो ग्राइंडिंग व्हील है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं अधिक स्पीड में हम लोग इसको चला सकते हैं, क्या कर सकते हैं अधिक स्पीड में चला सकते हैं। इसको चलाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं अधिक स्पीड में इसको हम लोग चला सकते हैं। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 2000 मीटर से भी अधिक स्पीड में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं ऑपरेट कर सकते हैं। कौन? रेजेनाइट बॉन्ड। ये हमारा किसके द्वारा? रेजिन पाउडर और एब्रेसिव मिलकर हम इसको तैयार करते हैं। किसके द्वारा? रेजिन पाउडर और एब्रेसिव के द्वारा हम लोग इसको तैयार करते हैं। ये अपेक्षा क्या होता है जनरली दूसरे बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील की तुलना में अधिक स्पीड में चला सकता है। अगर हमारा ग्राइंडिंग व्हील ही अधिक स्पीड में चलेगा क्या करेगा, साधारणतया हमारा मटेरियल को क्या करेगा वो अधिक मटेरियल हमारा क्या करेगा वो कट करेगा, अधिक मटेरियल को हमारा उसमें कट करेगा। जब हमारा मटेरियल को ही वो क्या करेगा अधिक कट करेगा तो स्वाभाविक है कि इसका प्रयोग हमारा वर्कशॉप वगैरह में ज्यादा होगा, जहां पे कास्टिंग का वर्क होता है वहां पे इसका प्रयोग ज्यादा किया जाएगा, क्योंकि कास्टिंग करने के बाद जो रेस्ट मटेरियल उसमें हमारा लगा हुआ रह जाता है उसको हम लोग ग्राइंडिंग करके हटाने में हमको क्या होगा आसानी होगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेजेनाइट बॉन्ड बोलते हैं। तो रेजेनाइट बॉन्ड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो रेजेनाइट बॉन्ड को जैसे आर स्टार्ट का आर है इसके द्वारा इसको भी नहीं बॉन्ड करेंगे। सेलिया बॉन्ड और रेजेनाइट बॉन्ड जो है स्टार्ट के अल्फाबेट से डिनोट नहीं किया जाता, बाकी सारे बॉन्ड को हमारा स्टार्ट के अल्फाबेट से ही डिनोट किया जाता है। रेजेनाइट बॉन्ड को हम लोग किसके द्वारा बी से अंग्रेजी के बी अक्षर के द्वारा डिनोट किया जाता है। क्या होता है रेजेनाइट बॉन्ड को अंग्रेजी के बी अक्षर के द्वारा हमारा डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं रेजेनाइट बॉन्ड। ये इसका प्रयोग कहाँ होता है जहाँ कास्टिंग वर्कशॉप होता है वहां पे ज्यादातर इसका अधिक प्रयोग किया जाता है, और इससे अधिक मटेरियल जहाँ पे हटाना था वहां भी इसका हमारा प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये हाई स्पीड में घूमता है। इसके और भी जितने प्रकार के हमारे क्या है ग्राइंडिंग व्हील है उसके तुलना में उससे अधिक स्पीड पे चलता है, ठीक है। उसके बाद पांचवा हमारा लास्ट हो गया रबड़ बॉन्ड। रबड़ बॉन्ड हमारा क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो रबड़ बॉन्ड हमारा क्या है, ये ग्राइंडिंग वाले शुद्ध रबड़ और एब्रेसिव के पार्टिकल से मिलकर बना होता है। क्या होता है रबड़ बॉन्ड जो हमारा होता है शुद्ध रबड़ मतलब प्योर रबड़ प्लस एब्रेसिव से मिलकर बना हुआ हमारा होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं इसमें मिलाने के बाद ये मोटाई में क्या होता है पतला होता है। रबड़ बॉन्ड से तैयार किया हुआ हमारा जो व्हील होता है ग्राइंडिंग व्हील होता है ये क्या होता है हमारा अदर ग्राइंडिंग व्हील की तुलना में पतला होता है। अदर ग्राइंडिंग व्हील की तुलना में पतला होने के कारण इसका ज्यादातर प्रयोग हमारा कहाँ होगा, कोई भी पार्ट्स को कटिंग करने के लिए, कोई भी पार्ट्स को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करने के लिए, एक पार्ट्स को कई पार्टों में डिवाइड करने के लिए, मतलब रबड़ बॉन्ड का ज्यादातर प्रयोग किसी भी पार्ट को कटिंग करने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका ग्राइंडिंग व्हील जो होता है रबड़ बॉन्ड से तैयार किया हुआ ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या होता है पतला होता है। पतला होने के कारण इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं कटिंग ऑपरेशन में ज्यादा करते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या होता है धातु के टुकड़े को विभिन्न लंबाई में काटने के बाद मशीन के बेड पर गहराई में क्या होता है स्लॉट आदि काटने में, जैसे मशीन है मशीन के बेड बनाना है पूरा गहराई में जाके काटना है, तो रबड़ बॉन्ड होने के कारण थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या होता है जैसे दूसरा कोई रहेगा बॉन्ड का तो हमारा क्या होगा थोड़ा सा भी टेपर हुआ थोड़ा झटका साथ वो क्रैक कर जाएगा। इसमें क्या होता है थोड़ा सा झटका सहने का गुण होता है क्योंकि ये रबड़ के द्वारा तैयार किया था रबड़ और एब्रेसिव मिलकर होता है, इसीलिए इसको क्या होता है मशीन में अधिक गहराई पे भी जाके इसके द्वारा ऑपरेशन कर सकते हैं। कटिंग करते हुए हम लोग क्या अधिक गहराई तक इसका जा सकते हैं, मशीन के बेड पर गहराई में क्या करते हैं स्लॉट आदि को हम लोग काट सकते हैं। मशीन का जो बेड होता है उसमें गहराई में अगर स्लॉट काटना है तो भी हम लोग इसके द्वारा क्या कर सकते हैं काट सकते हैं। इसके साथ साथ इसको क्या करता है अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इस बॉन्ड से रबड़ बॉन्ड से तैयार किया हुआ जो ग्राइंडिंग व्हील होता है सरफेस अच्छा फिनिश करना तो वहां भी इसका हमारा क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ इसको हम लोग अंग्रेजी के आर अक्षर के द्वारा डिनोट करते हैं। क्या करते हैं अंग्रेजी के आर अक्षर के द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं। किसके द्वारा अंग्रेजी के आर अक्षर के द्वारा हम लोग इसको डिनोट करते हैं।
ठीक है। तो आज के क्लास का हम लोग समरी देखते हैं, हम लोग क्या देखें, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड किसको बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड हम लोग ऐसे युक्ति या जुगाड़ को बोलते हैं जिसके द्वारा हम लोग एब्रेसिव के पार्टिकल को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, और जिसके द्वारा आपस में जोड़ते हुए ग्राइंडिंग व्हील तैयार कर लेते हैं उसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड हमारा कितने प्रकार के जनरली देखने के लिए मिलता है, पांच प्रकार के। पहला हम किसको देखें, विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड को क्या होता है, वी के द्वारा, अंग्रेजी के वी अक्षर के द्वारा दिखाया जाता है, जिसका प्रयोग 75% किया जाता है। ठीक है, ये ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या था, 2000 मीटर की स्पीड तक इसको हम लोग चला सकते हैं। इसका प्रयोग हमारा क्या था, जहां पे अधिक मटेरियल कटिंग करना होता, साधारण कार्य करना होता, वहां पे इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा क्या था, सिलिकेट बॉन्ड। सिलिकेट बॉन्ड क्या था, ग्राइंडिंग व्हील की तुलना में कम प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग टूल्स वगैरह के पॉइंट जब ब्लंट हो जाते हैं तो उसको दोबारा से पॉइंट के ब्लंट तैयार करने में हमारा क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है। इसको हम लोग सिलिकेट बॉन्ड को किसके द्वारा डिनोट करते हैं, अंग्रेजी के एस अक्षर के द्वारा सिलिकेट बॉन्ड को हम लोग इंगित करते हैं। उसके बाद हमारा हो गया सेल्यक बॉन्ड। क्या है सेल्यक बॉन्ड, सेल्यक बॉन्ड हम लोग किसको बोलते हैं, सेल्यक बॉन्ड इस बॉन्ड वाले ग्राइंडिंग व्हील हमारा क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल पे और फिनिशिंग वर्क कार्य करने के लिए हमारा क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल और फिनिशिंग करना, वहां पे हम लोग सेल्यक बॉन्ड से तैयार किए हुए ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं। यहाँ सेल्यक बॉन्ड है, एस अल्फाबेट से इसको हम लोग डिनोट नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं, सेल्यक बॉन्ड को हम लोग ई से इंगित करते हैं। सेल्यक बॉन्ड को हम लोग इसे इंगित करते हैं। उसके बाद हमारा चौथा हो गया रिजिनाइड बॉन्ड, जो हमारा क्या होता है, सारे मटेरियल की तुलना में ये हार्ड होता है, इसको अधिक हाई स्पीड में चला सकते हैं। ये हमारा रेजिनाइड, रेजिन पाउडर और एब्रेसिव के पार्टिकल्स से मिलकर हमारा ये बना होता है, जिसमें इसको हम लोग हाई स्पीड पे चला सकते थे। ज्यादा मटेरियल हमारा क्या करेगा, कट करेगा, इसीलिए ज्यादातर इसको जहाँ पे अधिक मटेरियल हटाना होता है वहां पे इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग ज्यादातर कहाँ होता है, कास्टिंग वर्कशॉप में ज्यादा किया जाता है, क्योंकि कास्टिंग करने के बाद वेस्ट मटेरियल को हमको हटाने में आसानी होता है। उसके बाद लास्ट हमारा हो गया रबड़ बॉन्ड। तो रबड़ बॉन्ड का प्रयोग हम लोग वहां पे करते हैं जहां पे क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स को दो या दो से अधिक टुकड़े में आपस में बांटना होता है, वहां पे हम लोग इसका रबड़ बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जहां पे फिनिशिंग देना होता है वहां भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साउंड में प्रॉब्लम हो गया होगा, ये कचरा गाड़ी वाला बीच में आ गया था तो उसका साउंड बीच में रिकॉर्डिंग में कुछ आ गया, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।